फाइनली हमें कॉल आ गया महेंद्र भैया का। हमारी जो जैकेट्स ऑर्डर कर रही थी वो आ चुकी हैं, तीन कलर्स में आई हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं निकल रहा हूँ अभी सौरभ भैया को उठाने, मिलता हूँ सौरभ भैया के पास। तो बुलाते हैं सौरभ भैया को। हाँ जी, ये तो भाई रेडी पड़े हैं बिल्कुल ही। थोड़ा लेट हो गया यार भाई निकलते निकलते। मैं तो दो बार बाहर आके देख के चला गया, आया नहीं है। अच्छा तो चले। हाँ चलते हैं, ठंड जा रहा हो रही है तो बाइक पे जाना। तो महेंद्र भैया से बात हो गई? बात तो होगी लेकिन बाइक पे जाना ठंड है। ठंड है यार। हाँ गाड़ी में पहले गाड़ी लेके बैठना चाहते। चलो ठीक है, बिल्कुल चलते ठीक। तो हम लोग निकल लिए भाई जैकेट लेने के लिए। महेंद्र भाई का कॉल आ गया था सौरभ भैया को, वो बोल रहे हैं कि भाई जैकेट्स आ चुकी हैं। तो हम लोग देखते हैं, तीन कलर्स बोल रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से आए उसमें से। मुझे जहाँ तक है कि मुझे ग्रे ही पसंद आने वाला ऑलमोस्ट, क्योंकि स्पेशली मैं रुका ही उसके लिए था। ब्लैक तो मेरा है ही फेवरेट, बट मैं सोच रहा था कि बाइक के थोड़ा मैचिंग में मिले। तो देखते हैं, वहाँ जाके सेलेक्ट करते हैं। और महेंद्र भाई आ गया, जैकटा मेरी आ गया। ठीक है डन, ले आओ देखिए। हाँ जी, की करते पे हो? कादी पैकिंग करते पे हो? अच्छा, तो कोरियर भी कर देने तुम। वेरी गुड भाजी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आ कलर्स ने जड़े आई हैं? तीन कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लैक, ग्रे एंड रेड। रेड में पूरा रेड है कि आपका सिर्फ जैसे शोल्डर पे रेड था? ये है भाई, अच्छी लग रही है। बट मुझे लगता है जैसे मेरी बाइक का कलर ग्रे है तो ये ग्रे वाली ज़्यादा सूट करेगी। तो लो ट्राई करते हैं अभी पकड़ी। फिटिंग तो अच्छी लग रही है, और हाँ नहीं साइज डबल एक्सल है यार। इतना बड़ा बड़ा थे साइज लिखा है, ये वैसे ही अपना साइज छोटा करके दिखा देता है। इसके वैसे सांस रोक लो भाई, एक्चुअली इसके साइज तो मुझे लग रहा है मतलब 4XL आएगा, लेकिन ये फीलिंग ले रहा है एल वाली सिर्फ। मैं बहुत पतला हूँ। तो उस दिन मेरे ब्लॉग पे इसने कमेंट किया भी, यार मैं ना आपकी वीडियो में बड़ा मोटा लगता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा जो सच्चाई थी वो जानू करवाया, भी लग नहीं रहा है, तुम हो चुके हो। कैसी लग रही यार? अच्छी लग रही है एक्चुअली। बाइक का कलर हो ना मतलब सिल्वर और ग्रे जो है कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। ब्लैक ट्राई करनी, ब्लैक भी कर ला, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ट्राई करके देखते हैं। तो लग रहा टाइट है? नहीं बिल्कुल ओके लग रही है, हल्की लूज है, आप इसको टाइट कर सकते हो नीचे से, बिल्कुल ओके है। हाँ और ब्लैक वाला ना इस टाइम बहुत सोना लग रहा है कलर, इस टाइम भी मैनू मेरे लिए। हाँ एवरग्रीन, एवरग्रीन गुड। तो इसके साथ ये लाइनर भी है, और ये लेवल 2 की इसके साथ प्रोटेक्टिंग है सारी, और इसके साथ ये इनर है। ये है महेंद्र भाई, मोटर स्टैंड के मालिक हमारे। महेंद्र भाई जिन्होंने जैकेट लाके दी है, स्पेशली हमने नियॉन वाली मांगी थी बट अवेलेबल नहीं हुई, तो ये भाई कह रहे हैं ये भी उसी के जैसी है ओनली। तो इस जैकेट के फीचर्स आप भाई बता देंगे भाई थोड़ा सा? भाई बता देंगे, इसमें लेवल 2 पैडिंग मिल जाएगी सारी, ठीक है, स्पेन सर्टिफिकेशन वाली, और ये मतलब नॉर्मल जो अपनी राइडिंग जैकेट होती है सारी मैच वाली होती है, इसमें बीच में प्रॉपर क्लोथिंग दी हुई है। ओके, मतलब विंटर्स में भी सही, मतलब अंदर से इतना वैसे नहीं है कि। और इसमें आपको विंटर लाइनर और रेनकोट सारा मिल जाएगा, यानी 3-piece सेट हो गया बेसिकली। अब बजट के अंदर 3-piece सेट हो गया यार इसका भाई का ना। तो इनर तो मैंने आपको दिखाई दिया ना यार, ये इनर है तो अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, ये कोई ये नहीं भी हल्की क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, गर्म है अंदर से भी। और इसके साथ एक ये रहा इसकी पैकिंग, ये रेनकोट है इसके साथ, आर आर गियर्स, ये आर आर गियर्स का ही है भाई। ये ब्लैक देखने
तो मुझे ब्लैक में ट्राई कर रहा, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये देखो ब्लैक पे आके ना ये मर जाता है बस, अब इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ब्लैक टी शर्ट हो, पैंट हो, शूज हो, बस ब्लैक। तो मैं सोच रहा था इसकी जो शादी वादी है ना वो भी कहीं साउथ इंडिया और सॉरी साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई काली देख ले। स्किन कलर इतना ब्लैक नहीं सूट करता, ब्लैक अच्छे लगते हैं। ओके सर, ये भी अच्छी लग रही है मुझे ना थोड़ा सा। फिटिंग तो सेम है, बाकी जो कलर कौन सा सूट कर रहा है थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा ये थोड़ा सा ना, अगर ब्लैक पैंट डाली तो पूरा ब्लैक हो जाएगा सारा, तो वो चीज़ मैं नहीं चाह रहा यार। स्पोर्ट्स बाइक पे ब्लैक थोड़ा सा वो लगेगा यार, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। तुम देखो यस, कंट्रास्ट थोड़े ऑलवेज थोड़ा ना अलग लगेगा। चलो चाहे भाई झूठ बोल रहे हो पर इनकी बात अच्छी लगी मुझे, कोई बात बस तारीफ है ना बस। तो चलो कौन सी फाइनल कर रहे हो फिर? तो बहुत अच्छा अच्छी लग रही है। तो भाई इसी के साथ इसका जो राइडिंग गियर का जो सेटअप लगभग पूरा हो गया, बस एक शूज रह गए हैं पेंडिंग, ग्लव्स इसके पास हैं, हेलमेट इसने एग्जोर का ले लिया था, अब ये जैकेट भी हो गया, तो बस अब रह गए हैं शूज इसके राइडिंग। भाई ये क्वेश्चन है, ये रेनकोट वाटरप्रूफ है? चाकू है, चाकू चाकू है, चाकू कस्टमर ठीक है, जैकेट के ऊपर बना बड़ा होगा तेरे। बस ठीक है चलो, रेनकोट का साइज ज्यादा बड़ा लग रहा है, जैकेट के ऊपर बना वीर जी। साइज़ एक बार देख लो, गर्मियों में नहीं, लेकिन अगर ले लद्दाख या नेपाल जाते तो वहाँ तो गर्मियों में भी ठंड होती है। सच पास गए थे हम जब लास्ट टाइम तो कितनी ठंड थी वहाँ पे, तो ये चीज़ चाहिए चाहिए। शकुन भाई आप यहाँ डलवा रहे हो ना, जब घर जाके ये डालेगा तो इसे डलेगी नहीं, तो ये वहाँ पे आपको मिस करेगा। तो फिर हम भाई के पास यहीं से लोग स्टार्ट कर लेंगे, फोन कर लेना मैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। हां कोई बात नहीं भाई, साथ में आपको चाय कॉफी वो भी ऑफर हो जाएगा, लेस हो जाएगा। हां फिर देखो इसको एक्चुअली क्या हुआ है, जिप दिखाई नहीं दे रही, बीच में ना पेट आ रहा है इसका, थोड़ा पेट की वजह से जादी बन गया, थोड़ा पेट तो होना चाहिए। एक बार ठीक है भाई, खाते पीते करके, मतलब जिनका पेट नहीं वो पंजाबी नहीं, खाते पीते करके नहीं। चलो इनर भी हो गया, नीचे जैकेट भी हो गई, अब इसके ऊपर ये रेनकोट भी डाल रहे हैं। इसके साथ अगर ब्लू पैंट डार्क या ब्लैक पैंट डालना, ये कलर नहीं डालना बस, हाँ क्योंकि मैंने भी राइडिंग के लिए बेसिकली ब्लैक ही रखा हुआ है। देखिए भैया बाइक की चॉइस बढ़िया है यार, इसमें ये मेरे पे सूट कर, इसका मतलब ये नहीं है, बट मैं स्मार्ट हूँ, इनकी इनकी चॉइस बढ़िया है। हाँ वो ये देखो यहाँ लगे हुए हैं और अच्छी क्वालिटी है यार, ले लग गया तो फिर हाँ कितने आई थिंक
क्वालिटी बहुत बेस्ट लगी है, लेकिन अभी मेरे को नहीं लगता अच्छी है जीन के ऊपर पहनो। अभी हम कभी दूर तो जा नहीं रहे स्पेशली इसको पहने, ये चीज नहीं। अब जिस दिन जाना होगा तो फिर वो ले नहीं पाओगे ना उस दिन, या तो इनके पास नहीं होगा, फिर या तो मैं जो होंगे वो पसंद नहीं आएंगे, है ना। अभी भाई मेरी हिंदी और पंजाबी थोड़ी मिक्स हो जाती है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और आपने एक बात नोटिस नहीं करी क्या, आज मैंने फेस दिखाई दिया था। ओ चलो ये दिखाने पड़ेगा यार, तो अरे शादी के बाद बहू को भी दूसरे दिन फेस दिखाना पड़ता है, तुम्हें तो फिर भी महीना हो गया हो एक महीने से ऊपर हो गया ब्लॉगिंग करते हुए। जब इतना खर्चा हो गया मालिक तो चिप्स का पैकेट भी ले। ए, चार क्यों लग रहे मेनु, तो ये देखो जी ये दिखाओ नी गार्ड ते दूजे एल्बो वाले दोनों लगा देना। ये हो गया आपका नी गार्ड, ये एल्बो गार्ड, ये भी नी, ये भी एल्बो है यार। नहीं नहीं वो एल्बो है भाई, वो देख हाँ वो बड़ा थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, भावना में बह गए हैं। ठीक है ठीक मस्त है, ये ले एक जरा चीज बढ़िया है, सेफ्टी अच्छी है। नहीं तो यार देखो पैंट लेनी पड़ेगी, तो पैंट पहनी नहीं जाती है क्योंकि उसमें फिर गर्मी ज़्यादा लगेगी। ठंड जो अपने पंजाब में इस एरिया में सिर्फ 3 से 4 महीने रहती है, तो बाकी तो गर्मी का मौसम ही जाता। ठीक है इसको भी फाइनल करते हैं, डन। तो ठीक है भाई, और फाइनली हमने अपनी जैकेट ले ली है राइडिंग, तो अच्छी लगी काफ़ी। क्यों सौरभ भाई, बिल्कुल यार पैसे पूरे हैं यार, क्योंकि तो थोड़ा जो ग्रे कलर है ना वो उठ भी काफ़ी रहा है, यूनिक से लग रहा है। अच्छा ब्लैक पैंट पे वो मैचिंग करेगा ना, मैचिंग भी करेगा क्योंकि इसमें ब्लैक एंड ग्रे की ना कॉम्बिनेशन है, कंट्रास्ट है ना। और बाइक में भी मेरा सेम ही है ग्रे और ब्लैक, तो वो उठेगी चीज। तो अब हम रेडी हैं भाई लॉन्ग टूर मारने के लिए। कोई आसपास जगह है अगर आपके मतलब शिमला के नियर अबाउट, है ना, शिमला या मनाली के आसपास कोई जगह है जो फर्स्ट टूर हम यहीं से आसपास से स्टार्ट करेंगे, तो कोई रेकमेंडेड हो कि हिडन प्लेस है या समथिंग, कुछ यूनिक चीज़ है वहाँ पे। नॉर्मली जो जाते हैं ब्लॉगिंग या ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं, बट जो एक्चुअली फेमस है वो जगह वो नहीं एक्सप्लोर कर पाते। तो मेरा एक्चुअली क्रेज है वही वाला कि भाई वहाँ पे जाके हम यूनिक चीज़ को ढूंढें, तो अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताएं। तो अभी हम करते हैं व्लॉग का एंड, तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।